किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके प्रॉफिट दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो प्रॉफिट जो बिलोंग करता है इनकॉर्पोरेशन से पहले के बिजनेस पीरियड को, और एक टाइप का प्रॉफिट जो वो होता है जो इनकॉर्पोरेशन के बाद हुआ है कंपनी को। तो हम इन दोनों प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो अगर हम नेमली देखें तो जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हुआ है उसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं, और जो इनकॉर्पोरेशन के बाद हुए उन्हें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स बोलते हैं। इसमें रटने वाली चीज ये कि प्री प्रॉफिट जो होता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और वो कैपिटल रेवेन्यू में जाता है, जबकि जो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है तो वो गुडविल अकाउंट से एडजस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना पोस्ट प्रॉफिट या पोस्ट लॉस वो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे लाइक नॉर्मल। तो हम इन दोनों प्रॉफिट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रेशियोज का यूज करते हैं। नेमली हम दो रेशियोज यूज करते हैं मेनली, जिसका नाम है टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। तो टाइम रेशियो बेसिकली टाइम बेस्ड एक्सपेंसेस और इनकम के लिए यूज होता है, जिसमें हम प्री टाइम के मंथ्स के नंबर को पोस्ट टाइम के मंथ्स के नंबर से रिलेशन दिखाते हैं। मतलब प्री टाइम इज टू पोस्ट टाइम, समझा? जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स तो थे प्री टाइम और 9 मंथ्स थे पोस्ट टाइम, तो हमारा टाइम रेशियो हो जाएगा 3:9 मतलब 1:3। तो इस तरीके से आप उस एक्सपेंसेस या इनकम जो टाइम रेशियो पे बेस्ड है उनको आप डिवाइड कर सकते हो टू टेक आउट प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है कि टाइम रेशियो में प्री टाइम निकालने का एक बहुत इजी तरीका है कि फ्रॉम डे ऑफ बिजनेस परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक आपको एक प्री टाइम मिल जाएगा, जो कि मेनली सिर्फ मंथ्स में होता है। मैंने डेज में कभी जाते हुए देखा नहीं, तो सिर्फ मंथ्स में लेते हैं। और अगर बिजनेस परचेज की डेट दी नहीं हो तो हम एज्यूम करेंगे कि जो लास्ट 1 अप्रैल है ना वहीं से हमने ये बिजनेस शुरू किया था और उसके बाद हमने बीच में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। ठीक है, पोस्ट टाइम निकालने के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स तक, तो मतलब जिस दिन से हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सेल्स रेशियो हम सेल्स बेस्ड आइटम्स पे यूज करते हैं। बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। तो टाइम रेशियो की तरह इसमें टाइम की जगह सेल्स आ जाएगा, तो प्री सेल्स इज टू पोस्ट सेल्स। जैसे मान लो इनकॉर्पोरेशन से पहले आपकी सेल्स नॉर्मल होती थी, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद आपकी सेल्स 2 times हो गई, तो सेल्स रेशियो इसमें 1:2 हो जाएगा। समझ आया? मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के कर सकते हैं, तो अगर आप इलस्ट्रेशंस करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई एडिशनल तो हम बाय डिफॉल्ट सेल्स रेशियो को 1:1 ही मानेंगे। ठीक है, अब ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि जिसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो है मोस्टली एक्सपेंसेस है एक्चुअली सिर्फ, क्योंकि इनकम ज्यादा काम नहीं आती, इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा क्वेश्चन में आती नहीं, मोस्टली एक्सपेंसेस आते हैं। तो टाइम रेशियो से रिलेटेड ये सारे एक्सपेंसेस हैं और सेल्स रेशियो से ये सारे, और प्री आइटम्स जो सिर्फ प्री कॉलम में आएंगे वो ये आ रहे हैं, और जो सिर्फ पोस्ट में आएंगे मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले टाइम में वो सारे ये हैं। इसमें से अगर किसी भी आइटम में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब मेरा फेवरेट जो आप सबसे हर क्वेश्चन बनाने वाले हो वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम प्री और पोस्ट प्रॉफिट्स को अलग से दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स, जिसमें हम लिखते हैं नाम जो एक्सपेंस से हम डील कर रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं टोटल अमाउंट जो इस एक्सपेंस का है, उसके बाद हम लिखते हैं बेसिस जिसका मतलब हम कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं उसे डिवाइड करने के लिए, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, प्री या पोस्ट। फिर हम लिखते हैं प्री अमाउंट जो प्री में जाने वाला है, और फिर हम लिखते हैं पोस्ट अमाउंट जो पोस्ट में जाने वाला है। बस इस चैप्टर में यही है मेनली थ्योरी टाइप, और आपको लाइक प्रिपेयर करने के लिए, रिवीजन के लिए, और बस आपको बाकी सब प्रैक्टिस के ऊपर है कि बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल होते हुए देखना है, ऐसे मैंने एक क्वेश्चन किया था लाइव स्ट्रीम के अंदर जो आपके सामने आ गई हुई, अभी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वो लाइव स्ट्रीम का स्किप करके देख सकते हो पार्ट जब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, या फिर आप सीधा खुद ट्राई कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो मेरे से क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली नहीं तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।